Vishu, while solving the question, without generality of the questions, without generality of the question, without losing the generality of the question, a good choice of origin and axis is recommended. A good choice of origin and the axis is recommended. Always keep in mind, always keep in mind, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है मुझे बोला कि नेटवर्क बैंडविड्थ लो है अभी क्या ऐसा ही है सर अभी तो पढ़ाए थे दूसरे बैच में तो शायद ठीक हो जाएगा दो मिनट में नेटवर्क स्विच किया है बोलो थोड़ा ठीक हुआ क्या नहीं सर वैसा नहीं दो मिनट अभी नेटवर्क स्विच किया यार सही हो जाएगा अभी भी नहीं हुआ नहीं सर अरे अभी हुआ ना अभी हाँ ठीक है तो मैं क्या बोल रहा था मैंने ये बोल वो नहीं सुनाई दे रहा था नेटवर्क लो था ना अच्छा स्टार्टिंग से ही बोल दो बोल लूंगा तो मैं बोल कह रहा था मैं वही ब्लैंक हो गया फर्स्ट वर्ड क्या बोला था मैंने ब्लैंक ही हो गया बिल्कुल क्या बोल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस हां हां व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस without losing the generality of the question, good choice of origin and the axis is recommended. A good choice of origin and the axis is recommended. It will help in simplifying the calculations. It will help in simplifying the calculations. ठीक है For example, if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular and they are intersecting, then the best choice to proceed in the question shall be take the lines as axis itself and the point of intersection as origin. Try to imagine the situation mein kya keh raha hu Take the lines as axis itself. By x-axis, y-axis भी तो line ही है ना
जो लाइन दिया हुआ है परपेंडिकुलर, व्हाट आई एम सेइंग, टेक द एक्सिस एज लाइन इटसेल्फ, ठीक है, एंड ओरिजिन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड ओरिजिन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इतना क्लियर है क्या? हाँ सर. अरे इतना क्लियर है? अभी मान लो, हाँ सुनो सुनो सुनो, फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल इन अ क्वेश्चन, इफ इट इज गिवन दैट बेस ऑफ ट्राइंगल इज कॉन्स्टेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ इन अ क्वेश्चन इट इज गिवन दैट बेस ऑफ ट्राइंगल इज कॉन्स्टेंट, देन यू शुड ट्राई टू कोइंसाइड द बेस विद द एक्स एक्सिस इटसेल्फ. Then you should try to coincide the base with x-axis itself. Then you should try to coincide the base with x-axis itself. You can have two things. अगर triangle ऐसा है तो, अगर चूंकि base constant है, तुम ऐसा ले लो. या इससे भी अच्छा क्या रहेगा, symmetrical choice. ऐसा ले लो. तुम समझ रहे हो? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू? मैं तुमको ये सिखा रहा हूँ क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करना है. ये बात चमकती है? हाँ सर. यस सर. अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर. तो ऑलवेज, हाँ तो हाँ, यहां तक क्लियर है क्या? अच्छे से. तो ऑलवेज ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे लेने होते हैं आपको, सिमेट्री ये सब चीजें, एक्सिस वैक्सिस की, आपका काम आसान हो, टफ नहीं होना चाहिए. ये बात समझ सकते हो अच्छे से? Yes, sir. चीजों की जनरलिटी, चीजों की जनरलिटी लूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है. अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ने कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था ना? ठीक है, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करके दिखा, एक क्वेश्चन देता हूं, आप प्रूफ करो विथ अ, क्यों लिखू विथ प्रूव, क्यों लिखू प्रूव, हाँ प्रूफ तो इतना ही पड़ेगा, क्या लिखोगे भाई, पागल हो क्या? प्रूव दैट, प्रूव अपोलिनियस थ्योरम, प्रूव अपोलिनियस थ्योरम. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एनालिटिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं. प्रूव अपोलिनियस थ्योरम, मालूम है अपोलिनियस थ्योरम क्या होता है? अरे हाँ या नहीं मालूम है? नहीं. ठीक है, तो बोलो बिंदास, बोल, नहीं मालूम, नहीं मालूम है. ये जो डी है ना, मिड पॉइंट है किसका, बी और सी का. तो अपोलिनियस थ्योरम स्टेट्स दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. थ्योरम के बाद क्या लिखा है? अपोलिनियस थ्योरम Using USING, using coordinate geometry. तो बताओ कैसे प्रोसीड करूं, बताओ, बोलो. तो मैं सॉल्व में कर रहा हूँ, चिंता मत करो. तुम बताओ प्रोसीड कैसे करूं बस. सर डी को 0.0 ले लेते हैं पहले. डी को 0.0 ले लिए, तो क्या फायदा हुआ? ये पॉइंट क्या ले ले? माइनस ए कॉमा माइनस ए बाई टू ले लो और ए बाई टू ले लो, ठीक है. और ए को क्या ले ले? कुछ भी ले लो, बी और सी ले लो. अरे बात चमकती है? Yes. कहीं से भी मैंने जनरलिटी लूज की क्या क्वेश्चन की? नो सर. अभी फटाफट इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो, देखो मैच हो जाना चाहिए. फॉर्मूले में वैल्यू डालो, देखो मैच हो जाना चाहिए. जब तक डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आएगा कुछ नहीं आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में.
मैच हुआ क्या सर? एक मिनट, हो गया मैच सर। मैच होना ही चाहिए, सबका हो गया ना मैच तो? कीर्ति हुआ सर? कर रही हूँ, एक मिनट सर। हो गया सर मैच। हो गया, सब लोग मैच कर लो। दीपिका मैच हुआ? हो गया सर। ठीक है, तो अभी नॉर्मल ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं पाइथागोरस लगा लगा के। ठीक है, पाइथागोरस से भी किया जा सकता है, इसको यहाँ पर पेंट को ड्रॉप करके एक्स लेके उससे भी कर सकते हैं, बट इट इज मच बेटर कॉर्नर ज्योमेट्री से हम सीख रहे हैं अभी। इसलिए इतना क्लियर है? हाँ सर। तो हम क्या सीख रहे हैं अभी? बेटर चॉइस ऑफ ओरिजन एंड एक्सेस टू हेल्प अवर सॉल्विंग एंड सिंप्लीफिकेशन स्किल्स। इतना क्लियर है? क्वेश्चन लिखो। लेट ए बी सी डी बी एनी रेक्टेंगल, लेट ए बी सी डी बी एनी रेक्टेंगल एंड पी बी एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन एंड पी बी इन पी बी अब क्या बोल रहे हो? लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल एंड पी बी एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन। शो दैट PA square plus PC square, show that PA square plus PC square, show that PA square plus PC square is equals to PB square plus PD square. हो गया सर।
कैसे करें बताओ? देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, रेक्टेंगल दिया है ना, तो मैंने देखो देखो ध्यान देखो मैंने क्या किया, मैंने रेक्टेंगल को ऐसा मान लिया, क्या फायदा होगा इससे? 0.0 ये क्या हो गया, 1.0 ये क्या हो गया, 0.b, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया, a.b. अभी क्या बोला, प्लेन में कोई भी पॉइंट ना, तो रेक्टेंगल का प्लेन पूरा ही होता है, ऐसा नहीं कि अंदर की ही बात कह रहा है, तो चलो आपको दिखाने के लिए मैं अंदर ले ले रहा हूँ, बट समझा ऐसा नहीं होता कि अंदर ही होगा, कहीं भी पॉइंट ले लो p.q, तो क्या बोल रहा है, a b c d, अब करके देखो जिनका नहीं हुआ था, जिनका नहीं हुआ था अब करके देखो, भाई जब पी पे ले लेंगे तो फिर वहीं पे आ जाते हैं, क्या पी पे ले लेंगे तो फिर जल्दी से आ जाता है, नहीं तो पी पे थोड़ ले सकते हैं, हम जनरल पॉइंट के लिए प्रूव कर रहे हैं ना, आप एक पॉइंट को फिक्स मत करो ना, आप यही पॉइंट मत फिक्स कर दो, फिर तो गलत हो गया ना बात, तो फिर तो मतलब आपने एक स्पेशल पॉइंट के लिए प्रूव किया ना, मेरे केस में जनरलिटी लूज नहीं हुई है और फिर भी सॉल्व हो गया है, आपके में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि आप अगर कोई और पॉइंट लोगे तो होगा क्या, हमको वेरीफाई नहीं करना है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है, देखो इस सिस्टम से होता है क्या प्रूफ अटैक से, इनका नहीं हुआ था आ गया क्या अभी, हो गया यस ठीक है, जिनका नहीं हुआ था हो गया ना अभी, फाइन लिखो क्वेश्चन लिखो, पी इज 80 square comma 280, क्यू इज a/t square comma -2a/t, फाइंड 1/sp + 1/sq और s इज a.0, जिसका नहीं बन रहा है प्लीज पूछते रहो, पर s क्या है लिखा है ना, 1.0 सर, सर वो आपका वीडियो प्लीज स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में अच्छे से होता है, मैंने स्पॉटलाइट पे ही डाला हुआ है, मैंने स्पॉटलाइट पे ही डाला हुआ है आज, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिख रहा,
सर हो गया क्या है वैल्यू वन बाई ए आया क्या अन्विशा हाँ सर आया आंसर इज वन बाई ए विदुषी हो गया नहीं सर बस एक मिनट हो गया सर हो गया सबका यस सर इसका नहीं हुआ बताओ भाई तो कर दूंगा मैं तो बोलो विदुषी हो गया बस हो ही गया एक मिनट सर एक बार सॉल्व कर सकते हैं कौन सा थर्ड वाला नीचे वाला SP कितना होगा A माइनस ए टी स्क्वायर प्लस 280 माइनस जीरो का होल स्क्वायर कितना आ गया SP A स्क्वायर प्लस कहाँ गया SP स्क्वायर कितना आ रहा है बताओ सर वो A माइनस ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना हाँ A माइनस ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो सिंपलीफाई करो बताओ कितना आता है 80 स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर ठीक है तो एसपी का वैल्यू कितना आ जाएगा ए प्लस 80 स्क्वायर एसक्यू कितना आता है बताओ एसक्यू कैसे निकलेगा ए माइनस 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस 280 मां भाई इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ये बनना चाहिए कितना टाइम थोड़ा लगता है एसक्यू कितना आ रहा है बताओ ए बाय टी स्क्वायर प्लस ए प्लस ए बाय टी स्क्वायर है ना अभी वन बाय एसपी प्लस वन बाय एसक्यू जोड़ दो वन बाय ए आ जाना चाहिए क्या डिस्टेंस फॉर्मूले में प्रॉब्लम है क्या इससे थोड़ा कंफ्यूजन थे हाँ भाई हो गया विदुषी हाँ सर हो गया A equilateral triangle has one vertex at 3,4 and another vertex at minus 2,3. A equilateral triangle has one vertex at 3,4 and another at minus 2,3. Find the third vertex. And another at... इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एक वर्टेक्स 3,4 है दूसरा वर्टेक्स माइनस 2,3 है फाइंड थर्ड वर्टेक्स ठीक है ए कॉमा वन वन कॉमा बी जीरो कॉमा जीरो फॉर्म Equilateral triangle. Find A and B. Given है कि A और B दोनों 0 से 1 के बीच कहीं हैं. तीसरा एक ट्रायंगल है -2,3, -2,-1, 4,0
ए बी सी, एक पॉइंट फाइंड करना है पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू पी सी. फाइंड पी. फोर्थ सर आपने सी पे क्या लिखा है? 4.0. चलो पहले 3 ही सॉल्व करो. सर 2 का कॉर्नर में क्या लिखा है?
अरे देखो बात सुनो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस सही है, बट इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए कि मतलब डंब के लेवल पे चले जाएं। पहला हो गया कि नहीं हुआ अभी तक? सर 2 मिनट सर। अरे हेलो। हाँ सर। नहीं भाई। हेलो हेलो सर। व्हाट हैपेंड? हेलो सर, सर आपके ईयरफोन्स डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। हेलो अरे अरे हेलो। यस सर। यस सर। तो आप कौन दे रहा भाई? हेलो हेलो सर। हाँ नॉटन के रिपोर्टर ने बैठे भी दिखा रहा है। अरे हेलो। हेलो सर। हेलो सर। अबे कोई बोल क्यों नहीं रहा था भाई? सर हम बोल जी रहे हैं। बोल रहे थे सर, आपको सुनाई नहीं दे रहा था। क्या हुआ? हम बोल रहे। सर बोल रहे थे। अरे हेलो यार। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। सर वीडियो फ्रीज हो गया। अरे भाई आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। अरे यार चलो बताओ पहला हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? फिर गायब हो जाओगे यार, कैसे पढ़ा सकता हूँ मैं यार? बोलो तो यार, ठीक है नहीं बोलना, मैं 3-4 लोगों को बात कर रहा हूँ, बाकी सब चुप ही रहो। क्या पहला अभी तक कर ही रहे हो? दिमाग खराब है क्या? पहले में क्या दिक्कत है भाई? हाँ बोलो सर। एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दिया। करो सॉल्व।
हाँ मत दे। अरे आया क्या पहले क्वेश्चन का आंसर? हाँ सर। क्या आया सर? एक्स कोऑर्डिनेट 1 - 2 आता है। मैं एक्स कोऑर्डिनेट का क्या करूंगा, चार डालूंगा। मुझे आंसर बताओ ना पूरा यार, पॉइंट पूछा है पॉइंट बताओ। बाकी लोग चुप बैठे, बाकी लोग तो मन कर रहा है क्लास से बाहर निकाल दूं इस वक्त तो। इसे कुछ आता ही नहीं लगता है। सर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के दो दो वैल्यूज आते हैं। हाँ दो वैल्यू जाएंगी तो आंसर बताओ ना। एक 1 + -√3/2 और वाई। पॉइंट बताओ ना यार, तुम मुझे एक्स और वाई अलग अलग क्यों बता रही हो? मैथ्स नहीं आती क्या तुमको? पॉइंट बताओ ना बेटा सीधा। आप यार क्या बोल रहे हो, एक्स अलग से बोल रहे हो, वाई अलग से बोल रहे हो? क्या आंसर बताओ? 1 पॉइंट बोलो, पहले का आंसर क्या है बोलो। हेलो हेलो 1 + √3/2, 7 + 5 √3/2 7 + 5 √3/2 गलत है। दोनों ही प्लस प्लस है क्या? सर दोनों में प्लस है माइनस। हाँ दोनों में प्लस माइनस।
अरे आंसर बताओ ना, दोनों में प्लस माइनस क्या होता है? दो ही पॉइंट्स आएंगे ना, बाकी सबके सब क्या मैं सबको क्लास से बाहर निकालूं क्या यार? सर थर्ड वर्टेक्स का 1 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2 कॉमा 7 प्लस माइनस 5 रूट। अबे ये तुम लोग क्या चार पॉइंट बता रहे हो, गधे हो क्या यार? एक एक्स पे एक वाई आएगा ना यार, दिमाग खराब हो चुका है सभी का। क्या बोल कह रहे हो तुम लोग आंसर यार, तुम लोग क्या बोल रहे हो आंसर समझ में नहीं आया। तुम लोग ऐसे क्यों, ऐसे कौन पॉइंट बताता है, दिमाग खराब है तुम लोग का? कितने पॉइंट हो गए? चार पॉइंट लिखा है भाई यहाँ पे। क्या लिखा है यहाँ पे? 2, 3, 2, -3, -2, 3, -2, -3। चार पॉइंट थोड़ा आंसर आएगा, दो ही पॉइंट आंसर आएगा ना। हद हो गई है यार। डिस्टेंस फॉर्म में अपन 10th कैसे पास कर, कितना आ रहा है ऑस्ट्रिच आंसर तुम्हारा? सर मेरा वो कैलकुलेशन में फंस गया, वापस कर रहा हूँ। पढ़ाई क्यों कर रहा हो भैया, आईआईटी की छोड़ दो, समझ रहे हो? छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। एक डिस्टेंस फॉर्मूले कुछ नहीं हो पा रहा तुम लोगों से। सर एक 1 + √3/2, 7 + √3/2 आता है। दोनों प्लस प्लस नहीं आएगा सर, 7 - √3/2 आ रहा है। कौन बोल रहा है? सर संधि। 1 + √3/2, 7 - √3/2। और दूसरा 1 - √3/2 और 7 + √3/2। अरे विदुषी, तुमसे डिस्टेंस फॉर्मूले क्वेश्चन में नहीं होते हैं क्या? सर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत। भाई सुनो एक बार, सुनो, ये ना कैलकुलेशन मिस्टेक के ना बहाने बंद देना बंद करो मुझे सब लोग। कैलकुलेशन कोई तुम्हारे लिए स्पेशली कैलकुलेशन करने नहीं आएगा कोई, खुद ही तुमको कैलकुलेशन करनी है। हर इंसान वही बेवकूफी बोल रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक। मैं कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो यार करने नहीं आ रहा किसी को। निकालो भैया, सॉल्व करो यार, तमाशा लगा रखा है यार। Thanks,
अरे पहले सबका आंसर आ गया? यस सर। यस सर। भाई एक बात याद रखना, आइंदा से कोई मुझे बोलना मत ये बात कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, ठीक है? अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो प्लीज पढ़ना छोड़ दीजिए। प्राइमरी चीज तो पहले कैलकुलेशन करना सीखिए। 15 आधे घंटे हो गए यार, 3 क्वेश्चन दिए यार, हद होती है यार। पहले में कोई स्पेशल साइंस है क्या, कैसे करना है? एक्स और वाई लगा के करना है ना सीधा यार। सेकंड का कितना आया? ए का वैल्यू 2+√3 और बी का 2-√3। फिर वही बेवकूफी। बोला है ए लाइज बिटवीन बी लाइज बिटवीन 0-7, लेकिन हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख रहेंगे। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशनड है ना कि आपको ए और बी की कौन सी वैल्यू स्पेसिफाई करनी है जो कि 0 से 1 के बीच में है। तो आप दो दो आंसर क्यों दे रहे हो बताओ? सेकंड में क्या आंसर आ रहा है बोलो? कीर्ति बोलिए सेकंड में आंसर कितना आएगा बोलिए? आप लोग के पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों से इंटरेक्ट करो, आप लोग यार एक नंबर के मतलब हीरोज को जवाब ही नहीं देते हो सुनने के बाद। अरे हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर आ रही आवाज। जवाब दो ना भाई। सर मुझे लगा कि वो ए सिर्फ 0 से ही बड़ा होगा। लिखा है ना ए और बी 0 से 1 में, ठीक है? अब बताइए आंसर, अब बता दो क्या होगा आंसर ए और बी का? 2-√3। और बी का? उसका भी 2-√3 आ रहा है। उसका भी 2-√3 आ रहा है। बस कीर्ति पढ़ रही है, बाकी लोग समझो कोई मतलब नहीं है क्लास में, सब चुप बैठे रहो। सेकंड आ गया था हमेशा? हाँ क्या बोल रही है? हेलो वही आ रहा है। ये किसकी आवाज थी? अन्वेषा की आवाज थी? श्रावणी। श्रावणी वही तो मैंने कहा। अन्वेषा कहाँ है भाई? हाँ सर वही आया। बस जब सही बोल दिया तो वही आया, खुद से सही आंसर देना बंद कर दिया तुमने बिल्कुल। थर्ड का बताओ क्या है? पी का वैल्यू क्या कर रहे हो वाला? करो बेटा करो, तुम तो करो। सर 3/2, 5/2। थ्री बाई टू कॉमा फाइव बाई टू। थ्री बाई टू कॉमा फाइव बाई टू। थ्री बाई टू कॉमा फाइव बाई टू। सबका सेम आया है क्या? यस सर बिल्कुल। 3/2, 5/2 कैसे करना है? अरे एक मिनट, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क में? आवाज नहीं आ रही क्या अच्छे से? आ रही है सर। तो फिर लोग चुप क्यों बैठे हैं यार? ये बहुत ज्यादा भी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो रही है मुझे, कोई बोल ही नहीं रहा है। 3/2, 5/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा है तो सॉल्व करता हूँ। यस सर आ रहा है। सर 2 मिनट रुको सर।
जब इक्वेशन बन जाते हैं क्वेश्चन के लिए तो उसको सब्स्टिट्यूशन से करना अच्छा है कि एलिमिनेशन से? दोनों में डिफरेंस क्या है? सर क्योंकि एलिमिनेशन से बहुत लंबा हो रहा है. एलिमिनेशन और सबसे में डिफरेंस क्या है? लंबा क्या होता है? 6 लाइन का क्वेश्चन है, आधा पेज का क्वेश्चन, लंबा क्या है इसमें? कौन सा कह रही है? थर्ड कह रही है? सेकंड वाला ही कह रही है. तो फिर तो इसमें तीनों साइड बराबर है. फालतू में एक्स्ट्रा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है. 1,1 है, 1,B है और 0,0 है. तीनों इक्वल है. लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला. लगाया मैंने. तीन इक्वेशन आया, फिर तीन वेरिएबल. तीन इक्वेशन क्या? तीन इक्वेशन, तीसरा वेरिएबल कहाँ दिख गया मैडम? ये जो लेंथ है तीन, तो फालतू में लिया तुमने ना, तुमने फालतू में लिया. ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, पहला इक्वेशन. तीन इक्वेशन कहां से आ जाएगा? और फिर ये और ये, a स्क्वायर प्लस, समझ गया बोल रही है? हाँ, मैंने उसको अलग-अलग लिखा. अलग अलग क्यों लिखे हम फिर? हमारा एम क्या, हमें डी से क्या मतलब है? हमें तो ए और बी से मतलब है ना. दो इक्वेशन दो वेरिएबल चाहिए. ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन. अब तुम इसको बराबर कर दो, कहो तीसरी इक्वेशन है, थोड़ा ना सही होगा. एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन. सो नॉट क्रिएट एक्स्ट्रा वेरिएबल्स फॉर जो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए ना. निकालिए, सॉल्व करिए. सर थर्ड वाला हो गया, वही आया. रुक जाओ, सबको सबको आने दो अभी फिलहाल. वही आ रहा है सर. हाँ रुक जा, 5 मिनट वेट कर, सब सॉल्व करने दो. सेकंड का आ गया सबका? विदुषी आ गया सेकंड? नहीं आया अभी तक. नहीं अभी हो गया. थर्ड सॉल्व करो. नैतिक थर्ड हो गया? हाँ सर वही आ रहा है. हो गया विदुषी, कर रही हो अभी तक? सर
ए आ गया बी बचता है। जल्दी करो भाई। हो गया। बाकी लोग सबका हो गया है? हाँ सर। नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। दो पॉइंट्स का ज्वाइन है ठीक है। लेट द पॉइंट्स बी x1, y1, x2, y2। अगर कोई पॉइंट इस पे P है, ये A है और ये B है, और ये अगर m इज टू n का रेशियो है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होता है? सब लोग टेंथ में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, बताओ मुझे। पढ़ा सर। है ना, क्या होता है P का कोऑर्डिनेट बताओ? mx2 plus nx1 by m plus n my2 plus ny1 by m plus n। अरे सभी को आता है, प्रूफ कैसे करेंगे इसका बताओ। हाउ टू प्रूफ दिस? सबके फॉर्मूला मालूम है क्या अच्छे से? वो फॉर्मूला मालूम है तो प्रूफ किए होगे ना बचपन में? नहीं प्रूफ किए थे? नहीं। ठीक है, यहां से ट्रायंगल बना लो। ये बात चमकती है? अरे बोलो। हाँ यस सर। यस सर। बोलता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां से यहां ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो अगर P का कोऑर्डिनेट मान लो H कॉमा K है, तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये इसके पैरेलल है, बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो। हाँ जी, X2 कॉमा नेट की प्रॉब्लम चल रही है क्या? X2 कॉमा के। बचपन में सबने थेल्स थ्योरम पढ़ा है। क्या होती है थेल्स थ्योरम? सर वीडियो। सर आपका स्क्रीन चला गया। क्या होता है थेल्स थ्योरम? वो लगता है ना, आज ना वापस पूरा स्क्रीन ब्लैक ही रहेगा। मैंने स्पॉटलाइट तो किया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। थेल्स थ्योरम क्या होती है? ए बी सी। सर एक लाइन बीच से जाता है तो वो रेशियो सेम होता है साइड का। ए बी सी, तो अगर लाइन यहां से अगर यहां पैरेलल बनाया गया, इसका रिवर्स भी ट्रू होता है ना, m by n, ये पूरा सिस्टम ट्रू होता है। समझ में आ रहा है? अगर ये लाइन पैरेलल बनाई गई तो रेशियो सेम है, अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल है। ये आपका मेजर थ्योरम है, और ये सब सुपर सेट है किसका? मिड पॉइंट थ्योरम का। थेल्स थ्योरम मतलब इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम का स्पेशल केस है। ये बात चमकती है? यस यस। तो बाय थेल्स थ्योरम बीपी डैश बाय पी डैश ए डैश कितना होगा बताओ? बीपी बाय एपी। हाँ मतलब एन बाय एम होगा ना? यस सर। एन बाय एम होगा ना? ठीक है, अभी वर्टिकल में तो डिस्टेंस लिखने आता ही है हमको, तो ये लेंथ कितनी है बताओ? बीपी डैश कितना है? y2 माइनस k है, और पी डैश ए डैश कितना है? k माइनस ए डैश का कॉर्डन बताओ, ए डैश का कॉर्डन बताओ कितना होगा? x2, y1। तो k माइनस y1 होगा। ये बात चमकती है? तो एन के माइनस एन वाई वन इज इक्वल टू एम वाई टू माइनस एम के। चमकता है क्या?
यस सर. आपका के कितना आ गया बताओ? एन वाई वन प्लस एम वाई टू बाई एम प्लस एन. क्या के सबको क्लियर है? यस सर. बताओ एच कैसे निकालूंगा? एच कैसे निकाले? तो P से A और A डैश के बीच में परपेंडिकुलर निकाल के. P से A और A डैश के बीच में परपेंडिकुलर निकाल लो, है ना? तो P डबल डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? x - x1 और y1. अरे P डबल डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा? h y1. फील नहीं आ रही क्या? इसका x इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे उसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा ना, तो क्या हो जाएगा? h कॉमा y1. हां सर. बोला क्लियर है? यस यस सर. तो मैं लिखूं क्या फिर से? तो बताओ ap डैश बाई ap डबल डैश p डबल डैश a डैश क्या होगा? ए पी डबल डैश पी डबल डैश ए डैश क्या होगा? सर आपका वीडियो लैग हो रहा है. नहीं सर नहीं हो रहा. ए पी डबल डैश बाय पी डबल डैश ए डैश कितना होगा? ए पी एम बाय एन. हाँ ए पी बाय पी बी Which is क्या? M by N. अरे चमकता है? हाँ सर. तो AP 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 double dash क्या होगा? AP double dash क्या होगा? H minus X1. और P double dash A dash कितना होगा? X2 minus H. X2 minus H is equals to M by N. ये चमकता है? Simplify कर देखो H कितना आएगा? Same ही आ जाएगा. कॉपी करो. कॉपी करो. हो गया सर. नहीं सर एक मिनट.
रेप करे यस सर अभी हमने पढ़ा था जो पिछले पेज में पढ़ा हमने वो पढ़ा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला ठीक है तो उसमें कैसा था अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूं एक्सटर्नल डिवीजन के लिए सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है देखो कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट पी है ठीक है तो एपी बाई बीपी इज इक्वल्स टू एम बाई एन Then P is said to divide AB externally in M is to N. ठीक है तो मैं आपको कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं आप मेरे लिए प्रूफ करिए मुझे मालूम है दो लोग प्रूफ करेंगे बाकी सब लोग बैठे रहेंगे क्लास में अब थोड़ा सा मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गई है अभी ऐसे नहीं पढ़ाई होती है ऐसे लग रहा है हम टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है तो जो P का कोऑर्डिनेट आएगा P का कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूं आप प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ करिए मैं आपको टाइम तो दूंगा ही मैं अपना ड्यूटी तो निभाऊंगा आप बताओ अपना कितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को तैयार हो चलो भाई सॉल्व करो एक्सटर्नल डिविजन डेफिनेशन है कोई ये नहीं पूछने का अधिकार नोबडी कैन आस्क ऐसे को डिफाइन किया ऐसा डिफाइन किया गया है डेफिनेशन पे फाइट नहीं करते अपन आया क्या नहीं सर कर रहे करो करो
अरे हो गया? यस सर। किसी को हेल्प चाहिए तो बताओ, कुछ करना तो है नहीं, सेम वही चीजें हैं जो उसमें किया था, और बड़े दिमाग से भी आईक्यू से भी किया आ सकता है, बताओ कैसे। मैं तो क्या करता, मैं तो एच कॉमा के ले लेता, ठीक है, और मैं क्या मान लेता कि अब अगर ऐसा है, देखो मेरा प्रूफ, मैं क्या करता, मैं क्या कहता, ए बी इज टू बीपी का रेशियो कितना है, ए बी इज टू बीपी कितना है बताओ, एम माइनस एन बाई एन, है ना, और अब मैं इसमें और इसमें इंटरनल डिवीजन लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, एन इंटू एक्स वन प्लस एम माइनस एन इंटू एच बाई एन प्लस, अरे कोई तो कुछ तो बोलो यार, ये क्लियर है, ये और ये कट गया, क्या आ गया, एन एक्स वन एम माइनस एन इंटू एच इज इक्वल टू एम एक्स टू, है ना, तो एच का वैल्यू कितना आ गया, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई एम माइनस एन, चमका क्या, यस सर, स्क्रीन चला गया, अरे अरे बात नहीं, 5% चार्ज है, 5% में 15 मिनट तो हो ही जाएगा, और इतना क्लियर है क्या, यस सर, समझा, ये प्रूफ समझा, हाँ सर, यस सर, ठीक है, सो नॉर्मली मतलब करेक्ट नहीं है बट बोल दिया आता है, सो नॉर्मली फॉर एक्सटर्नल डिवीजन एम इज टू एन वी से या एज्यूम नॉनसेंस पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन एम इज टू माइनस एन विच इज नॉनसेंस, बट इससे काम हो जाता है, मतलब मैं कहूं 3:4 एक्सटर्नली तो तुम क्या मान के सॉल्व कर दोगे, 3:-4 इंटरनली, ये बात चमकती है क्या, एंड व्हाई एम आई सेइंग नॉनसेंस, बिकॉज रेशियोज जो होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ सर, अबे हाँ या ना, अबे क्लियर है, हाँ सर, कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लिए, नहीं सर एक मिनट, थोड़ा जल्दी कॉपी करो यार, मतलब 5% ही चार्ज है, तो ये m is to minus n कैसा आया, कुछ नहीं आया, अपना जो बेसिक फॉर्मूला था ना, अपना अपन ने ये तो प्रूफ कर दिया, ये बस मैंने कहा कि आपको अगर एक्सटर्नल का फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लोगे सही है ना, मतलब आपका फॉर्म अगर m is to n minus, अगर आपका इंटरनल का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 plus nx1 by m plus n, वहां पे आप n को माइनस n से रिप्लेस कर दे रहे हो, तो यही फॉर्मूला बन जा रहा है ना, yes, sir. बस समझाने के लिए था, अपना बेसिक तो यही प्रूफ है बेसिक से, कुछ लोगों को दिक्कत गिरती है तो उनके लिए बोल रहा हूं मैं कि एक्सटर्नल डिवीजन m is to n है, तो वी से अज्यूम p डिवाइड्स ab इंटरनली इन m is to minus n, तो इंटरनल वाले फॉर्मूले में डालोगे m is to minus n, यही बन जाएगा, है ना, हाँ सर, अरे क्लियर है, रब करे, हाँ सर, ठीक है, लिखो नेक्स्ट, पॉइंट्स एंड लाइंस, स्पेशल पॉइंट्स एंड स्पेशल लाइंस, स्पेशल पॉइंट्स एंड स्पेशल लाइंस, स्पेशल पॉइंट्स एंड स्पेशल लाइंस, फर्स्ट इज ऑल्टीट्यूड्स, टॉपिक का नाम है स्पेशल पॉइंट्स एंड लाइंस इन ट्राइंगल,
altitudes for a triangle ABC, a line perpendicular to BC and a line perpendicular to side and passing through opposite vertex and passing through opposite vertex is called altitude. ये डेफिनेशन क्लियर है क्या कि फॉर अ ट्रायंगल एबीसी अ लाइन परपेंडिकुलर टू ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर टू साइड एंड पासिंग थ्रू अपोजिट वर्टेक्स, मतलब ये वाला है ना, ये चमकता है. ऑल्टीट्यूड क्या होता है? यस सर, सामने वाले साइड से परपेंडिकुलर जो अपोजिट साइड से पास, जो अपोजिट वर्टेक्स से पास कर रहा हो. इतना क्लियर है? यस सर. दूसरी चीज, बिना प्रूफ के स्टेट कर रहा हूं, आगे प्रूफ कर दूंगा. इन अ ट्राइंगल कितने ऑल्टीट्यूड होंगे? थ्री. ट्राइंगल में कितने ऑल्टीट्यूड होंगे बे? थ्री ऑल्टीट्यूड है ना. ऑल आर कंकरेंट. कंकरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे मिलना. ऑल आर कंकरेंट एट वन पॉइंट. पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ मतलब मैं क्या कह रहा हूं, तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही जगह पे मिलते हैं. पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज कॉल्ड, अरे बोलो दोस्त, सॉरी तुम कैसे बोल दो क्या मालूम. पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. मतलब मैं क्या बताया आपको कि एक ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड होते हैं? तीन. तीनों जो होते हैं एक ही पॉइंट पे मिलते हैं. और क्या नाम है उस पॉइंट का जहां मिलते हैं? ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर, ठीक है. फटाफट कॉपी करिए, 4% है. Yes. Yes, sir. साथ लंबे लंबे हाथ चलाएंगे, कंधे से कंधे लगाओ, फटाफट चलाओ कंधा, आगे बढ़ो. कॉपी कर लिया? Yes, sir, लिख के. कॉपी कर लिए क्या सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes. ये क्या था? ऑल्टीट्यूड. दूसरी चीज होती है मीडियन. मीडियन साथ साथ कॉपी करते रहो. इन अ ट्रायंगल एबीसी लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ बीसी ऑफ अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड टू वर्टेक्स ए, to vertex A is called median. एक ट्राइंगल में कितने मीडियन होंगे? तीन. देयर आर हाउ मेनी मीडियंस? थ्री मीडियंस. वापिस से, ऑल थ्री मीडियंस आर कॉन्करेंट. कॉन्करेंट ये आपको आता है सब लोगों को. एट सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड ये तो पढ़ते हैं ना अपन बचपन में. तो ऑल थ्री मीडियंस आर कंकरेंट एंड सेंट्रॉइड. ऑल द प्रूफ्स विल बी गिवन आफ्टरवर्ड्स जब हम लाइन पढ़ेंगे, अभी नहीं फिलहाल. फटाफट कॉपी करिए. तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ट्रायंगल के तीन मीडियंस होते हैं, वो तीनों मीडियंस कंकरेंट होते हैं ना. अच्छा, आपको मीडियन और अल्टीट्यूड में डिफरेंट समझ में आ रहा है कि मतलब नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है, आ रहा है. रब करें फिर. एक मिनट. हाँ हाँ, कर ले कर ले.
ठीक है, अगर चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं, अपन मैं मोबाइल से ज्वाइन कर लूंगा, मोबाइल चार्ज हो गया मेरा। रब करें ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड एंड फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर थर्ड करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है बताना जरा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? और बाइसेक्टर भी कर रहे हैं अपोजिट में। इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स, इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अरे ये ध्यान है क्या? हाँ सर। ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते थे याद है? आधे से ज्यादा का आर काटते थे ना। Yes, और यहाँ भी आधे से ज्यादा का आर्क और फिर से आर्क और फिर से आर्क और फिर इसको ज्वाइन कर देते थे, है ना। और ये जो लाइन बनती थी वो कैसी लाइन होती थी? ये और ये बराबर और ये परपेंडिकुलर। ध्यान है कैसे होता था, क्यों होता था? क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाता था, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। नाउ In a triangle, how many sides? Three sides. Three sides. In a triangle, three sides. So how many perpendicular bisectors? Three. Three perpendicular bisectors of sides. अच्छा, perpendicular bisector की एक खासियत होती है, क्या होती है खासियत? इस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं वो किससे इक्वल डिस्टेंस पे होता है? दोनों एंड से, दोनों एंड से इक्वल पे होता है। नहीं मालूम है क्या? ये मालूम है ना, पता है ठीक है। इन अ ट्रायंगल थ्री साइड, दैट इंप्लाइज थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दी साइड्स, मतलब ए बी का होगा, बी सी का होगा और ए सी का होगा। तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएंगे, जो उसमें सेकेंड पॉइंट है ऑल थ्री परपेंडिकुलर। अगेन द प्रूफ विल बी गिवन हेंसफोर्थ आफ्टरवर्ड्स इस पार्ट का। ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, ओके। यस सर। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आपने बनाया है 8th 9th में, क्या बोलते हैं? द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नहीं, इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होगी सर्कमसेंटर की बताओ? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कमसेंटर, एनीबडी टेल मी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कमसेंटर क्या होगा? सर्कमसेंटर किन तीन लाइंस पे लाई कर रहा है? सर्कमसेंटर किस पे लाई कर रहा है बताओ? बाइसेक्टर्स पे, है ना। अब बताओ इस पॉइंट की ज्योमेट्रिकल खासियत क्या होगी? सर्कल बनाएंगे तो सर्कम सर्कल है, नहीं रे। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होगी सोच के बताओ ना। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को सोच नहीं पाता क्या? बी नहीं, सोचो जरा। ओ का डिस्टेंस ए से, बी से और सी से बराबर होगा। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, वाई टेल मी द प्रूफ वाई। ओ किस पे लाई कर रहा है? ओ इस लाइन पे लाई कर रहा है। अच्छा ये बताओ, सुनो, इस लाइन पे कितना है? एक ही परसेंट है यार। इस लाइन पे जो भी लाई करेगा वो किससे बराबर डिस्टेंस पे होगा? ए और बी से। इस पे जो भी लाई करेगा वो किससे बराबर पे होगा? ए और सी से। इस पे जो भी लाई करेगा वो किससे बराबर पे होगा? तो ये जो पॉइंट है वो तीनों लाइन पे लाई कर रहा है ना। तो इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, तो इस लाइन पे जो भी लाई कर रहा है वो ए और बी से है, इस लाइन पे जो भी लाई कर रहा है वो ए और सी से है। ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? दोनों पे लाई कर रहा है ना। ये पॉइंट किससे किससे इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएगा? तीनों से हो जाएगा, ए से बी से। अरे चमका क्या, इस पे
कोई भी पॉइंट किससे बराबर पे है, ए और बी से। इस पे कोई भी पॉइंट किससे बराबर है, ए और सी से। भाई तो ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, तीनों पे लाई कर रहा है ना, समझ रहे हो क्या, कि ये पॉइंट इस लाइन पे है ना तो ए और बी से बराबर है, ये पॉइंट इस लाइन पे है ना तो बी और ए और सी से बराबर है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये ए से बी से और सी से तीनों से बराबर है ना, ये बात चमकती है क्या? यस सर। अरे भाई सभी लोगों को क्लियर है, हेंस क्या बोल सकते हैं, हेंस अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर कैन बी, अरे बोलो हाँ या ना, कैन बी ड्रॉन टू, बनाए तो बचपन में ट्रायंगल, अब नहीं बनाते हो क्या, सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल ए बी सी, क्या बोलते हैं सर्कल को, दिस सर्कल इज कॉल्ड, अरे बोलो, सर्कम सर्कल, दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, फटाफट कॉपी करो तो। हो गया सर कॉपी करके, जैसे मैंने ग्रुप पे डाल दिया है इसीलिए। तो फिर एंड सेंटर किसको बोलते हैं, आर एंड का, सर आपने ड्रॉन टू के बाद क्या लिखा है, ड्रॉन टू सर्कम स्क्राइब, ड्रॉन टू सर्कम स्क्राइब, अपनी क्लास किस किस दिन लगी है इस वीक में, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे, सर क्रिसमस के दिन छुट्टी नहीं है, मतलब सर क्रिसमस के दिन भी क्लास है, ओके तुम लोग की दिवाली के दिन क्लास नहीं हुई थी क्या, दिवाली को छुट्टी मिली थी, अच्छा कोई बात नहीं, सर वीडियो और माइक दोनों ऑफ हो गया, हेलो हेलो सर, हाँ हाँ हम कुछ दिवाली की बात कर रहे थे ना,
ठीक है फिर अपन मुझे क्रिसमस में छुट्टी क्यों चाहिए, मतलब किसी भी फेस्टिवल में छुट्टी क्यों चाहिए, क्वेश्चन ये उठता है। घर पे ही बैठे, बात घर पे बैठने की ही नहीं है। चलो ठीक है, रब करने इसको कॉपी कर लिया है सबने? हाँ सर। ठीक है एक और चीज करते हैं, फोर्थ चीज, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते, क्या होता है डेफिनेशन एंगल बाइसेक्टर का बताओ तो। ए ओ बी, इसका एंगल, एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसी लाइन जो एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट करे। हाँ तो डेफिनेशन क्या होता है? ओ एक्स इज एंगल बाइसेक्टर, ओ एक्स इज सेट ऑफ पॉइंट्स हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल। ये ऐसा पॉइंट्स का लोकल सेट है, ऐसे पॉइंट का सेट है जिसका डिस्टेंस, ये बात समझ में आती है? तभी तो आपका ये और ये एंगल बराबर होता है, कैसे कंग्रुएंसी हो जाती है ना। हाँ सर। कैसे बताओ, चलो बताओ पहले करते कैसे, एंगल बाई सेक्टर प्लॉट करना कैसे हो जाएगा? अबे पहले प्लॉट तो कर ले, एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंगल बाइसेक्टर का बताओ कैसे करते हो। पहले एक आर्क, हाउ डू यू प्लॉट, एक आर्क बनाते हैं, सेम आर्क यहाँ बनाते हैं और फिर यहाँ से यहाँ बनाते हैं और फिर यहाँ से यहाँ बनाते हैं, है ना। और इससे एंगल बाइसेक्टर बन जाता है, क्यों बनता है इससे, क्यों बनता है इससे, क्यों बनता है इससे सर? वो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे क्या? तो दो पॉइंट लिए उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनता है। नाइस, ये दोनों सेम लेंथ है ना, तो अगर आप मन में सोचो तो सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल बन गया ना, और फिर वहां से सेम काट दिए और ये ऑलरेडी सेम जगह कटा हुआ है, ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा इसका परपेंडिकुलर, जो लाइन आई है ये ऐसी आ गई ना लाइन, है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए ना। यस सर। अरे ये कंस्ट्रक्शन समझ में आती है। एनीवेज ओ एक्स इज सेट ऑफ पॉइंट्स हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, अब सिंपल सी बात है, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये और ये इक्वल है, है ना, मैं यहां से परपेंडिकुलर लिया, यहां से परपेंडिकुलर लिया, तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये एंगल इक्वल है, राइट एंगल है और साइड कॉमन है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए ना। यस सर। इसका मतलब ये जो P1 है और जो P2 है दोनों कैसे हो गए, दैट इंप्लाइज, बोलो P1 इज इक्वल टू P2। अपने को क्लास 12th में इसका, सॉरी इस साल अपने को इसका यूज ज्यादा पड़ता है कि OX कैसे पॉइंट्स का सेट है, ऐसे पॉइंट्स का सेट है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन, दोनों आर्म से हर मोमेंट पे इक्वल है, ये बात चमकती है। हाँ सर। तो इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल, फिर से वही कहानी, इन अ ट्रायंगल बताओ कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे, थ्री इंटरनल की बात कर रहा हूं मैं, थ्री इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर वाले, थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, यस और नो? यस। एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में कितने इंटरनल बाइसेक्टर्स, तीन इंटरनल बाइसेक्टर्स, तीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, ये क्लियर है, एक ट्रायंगल में तीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, तीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। अभी मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रूफ बाद में करेंगे, ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर आर कंकरेंट, ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर आर कंकरेंट। तीसरा,
पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज कॉल्ड, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज कॉल्ड इन सेंटर। बताओ मुझे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होगी इन सेंटर की, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होगी इन सेंटर की, बोलो जरा सोचो। अरे बोलो भाई बोलो। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं, क्या है तीनों एंगल बाइसेक्टर। हाँ तो ये जो पॉइंट है आई, इसका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होगा बताओ, आई का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होगा बोलो। एरिया को डिवाइड करेगा थ्री इक्वल पार्ट्स। नहीं 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 नहीं, सिंपल सिंपल डेफिनेशन से मालूम क्या चल रहा है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी डेफिनेशन से। अच्छा ए आई कैसे पॉइंट्स का सेट है, ए आई कैसे पॉइंट्स का सेट है, ए आई कैसे पॉइंट्स का सेट है। इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी इज इक्वल, ए बी एंड ए सी इज इक्वल। बी आई कैसे पॉइंट्स का सेट है जिसका परपेंडिकुलर ए बी और बी सी से सेम है, ए और बी सी। सी आई कैसे पॉइंट्स का सेट है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए सी और बी सी से सेम है। तो आई कैसे पॉइंट्स का सेट होगा, ऐसे पॉइंट्स का सेट होगा जिससे यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होंगे इक्वल, इक्वल। ये तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होंगे इक्वल, मतलब आई ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा है मैंने, आई ई इज इक्वल टू आई एफ इज इक्वल टू आई डी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, किससे डिनोट करते हैं स्मॉल आर, स्मॉल आर से फिफ्थ। सो नाउ इफ अ सर्कल विथ सेंटर एट आई एंड रेडियस एज आर इज ड्रॉन, दिस सर्कल क्या करेगी, सर्कल दिस सर्कल विल टच द साइड्स, अरे हेलो टच द साइड्स एट एफ डी ई है ना, दिस रेडियस इज कॉल्ड, दिस रेडियस आर इज कॉल्ड इन रेडियस, क्या बोलते हैं इन रेडियस, क्या बोलते हैं इन रेडियस। ये चीज क्लियर है क्या, हाँ सर। अरे सबको क्लियर है क्या अच्छे से, क्लियर है यस सर। कॉपी करो, का एग्जाम्पलर में कौन सा अपन डिस्कस कर रहे थे, क्या छूट गया था, कहीं रुक गए थे ना अपन, कहां रुके थे, सीक्वेंस सीरीज में रुक गए थे। हां सर कंप्लीट हो गया था सीक्वेंस सीरीज, हां कंप्लीट, कंप्लीट हो गया था, यस सर। हां सर सर हो गया, कॉपी कर दी, कॉपी कर लिए, यस सर। अभी तुम लोग अपना वो एक्सरसाइज वन हो गया चारों, कौन कौन सी शीट का एक्सरसाइज वन कहा था मैंने सर, आपने पहले सीक्वेंस सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री करने को बोला था,
तो खत्म कर लो भाई, संडे को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलेगा, संडे को सारा स्लॉट खाली है मेरा, संडे को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर, कल के लिए क्वेश्चन ले लो आर एस, ठीक है? रहने दो उसको, रहने दो फिलहाल तो। हाँ रहने दो, मैं क्वेश्चन आपको डाल देता हूँ व्हाट्सएप, ठीक है? ओके सर, चलो ठीक, ओके बाय।